हेलो फ्रेंड्स, मैं आशा नंदवानी आपका अपनी किचन में स्वागत करती हूँ। आज मैं बताने जा रही हूँ, ये गर्मी के लिए कूल कूल एकदम रिफ्रेशिंग है और हमारी हमारे लिए हेल्दी भी है। ये हमारे मैं इसको आप आगे बेनिफिट्स इसके सब आगे आपको बताऊँगी वीडियो के अंदर, तो इसलिए प्लीज़ मेरी वीडियो एंड तक देखें, क्योंकि एंड तक ही इसके अंदर टिप्स हैं। स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोग को थैंक यू करूँ कि आप लोगों की वजह से ही मेरे 400 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए हैं और आगे भी उम्मीद करती हूँ कि आप मेरा साथ देंगे। और प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुझे कमेंट भी करें आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं हम। फ्रेंड्स, गर्मी का मौसम है और उसके लिए हम चाहते हैं, कभी कभी ऐसा इतनी गर्मी लगती है कि हमें चाहिए कुछ ठंडा ठंडा मिल जाए, शरीर में एकदम ठंडक पहुंच जाए और हमारी थकान भी दूर हो जाए, कमजोरी महसूस होती है वो भी दूर हो जाए। तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ ये है, गोंद गतीरा। इसका हम प्रयोग करेंगे, इसको हम लस्सी में या फिर आप शेक बनाकर दूध के साथ आइसक्रीम में, जेली में, किसी तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये दो तरह की होती है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दे दूँ। एक तो है ये गोंद कतीरा और एक होती है गोंद। ये इसकी तासीर ठंडी होती है और वो थोड़ा उसकी तासीर गर्म होती है और ये हल्के रंग की होती है, ये आप देख सकते हैं इसका कलर, और वो थोड़ी इससे डार्क रंग में होती है, डार्क ब्राउन कलर की होती है। ये इजीली पंसारी की दुकान से मिल जाती है, पंसारी या फिर जैसे ग्रोसरी की दुकान से मिल जाती है, आप उसको लें। सबसे पहले इसका ध्यान रखें कि ये लाइट कलर की हो, अगर आपको गोंद कतीरा चाहिए, अगर गोंद चाहिए तो वो आप डार्क कलर की लें। और ये जो है इसके हमें इसके अंदर प्रोटीन फोलिक एसिड भरपूर होता है जो खून बढ़ाता है, बहुत सी बीमारियों में ये हमें काम आती है, खून की कमी को दूर करती है और पैरों में जलन है, शरीर पेशाब में जलन है, सबको दूर करती है, ठंडक पहुँचा। जिसको ल्यूकोरिया की बीमारी है उसके लिए भी बहुत फायदेमंद है इसका प्रयोग करना, और ये साथ में लू लगने से भी बचाती है, माइग्रेन के लिए और टॉन्सिल्स के लिए, इन सब के लिए भी। ये पहले ही हम इसको क्या करेंगे, इसको पीस लेंगे। इसको ऐसे भी फुला सकते हैं लेकिन उसको ऐसे फुलाने में बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन इसका सबसे पहले हम पाउडर बना लेंगे। इसको पाउडर बना के रख लें आप किसी एयरटाइट डिब्बे में, जब चाहें आप उसको भिगोएं और उसको यूज़ करें। तो सबसे पहले हम इसका पाउडर बना लेते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये मैंने पीस लिया है, एक से दो मिनट लगभग लगे हैं, बिल्कुल बारीक नहीं किया है मैंने इसको, ये दरदरी फॉर्म में है, थोड़ा जैसे मोटी वो सूजी होती है ये देख सकते, उसी तरह से है ये। तो आप इतना ही हमें पीसना है, बस इससे ज़्यादा बारीक नहीं करना है। और हम इसको, ये मैंने 150 ग्राम लगभग लिया है, वैसे तो कोई मतलब नहीं है क्वांटिटी का, जितनी भी ले सकते हैं। और इसको अब हमें भिगो के रखेंगे। अब इसको हम भिगो के रखेंगे तो हमें कम देर में ही ये भीग जाएगी, और अगर साबुत आप भिगोते हैं तो उसके लिए हमें 5 से 6 घंटे या ओवरनाइट हमें भिगोना पड़ता है। तो अब हम इसका एक चम्मच जो है लेंगे और हम इसको बाउल में डालेंगे, और हमें ये एक चम्मच सफिशियंट है एक गिलास पानी के लिए। ये मैंने एक गिलास पानी लिया है, बड़ा है आप देख सकते हैं। तो इसको इसके अंदर में भिगो देंगे, इसको पहले अच्छे से थोड़ा सा मिक्स कर लें। थोड़ा सा इसको मिला अच्छे से लें, ये अभी से थोड़ा सा फ्लफी सी हो गई है। और इसके अंदर में अब हम इसको पूरा पानी हम इसको डाल देंगे और इसको हम डालकर बस इसको अच्छे से मिक्स अच्छे से करना है एक बार। और हम इसको ढक के ऐसे ही छोड़ देंगे, अब हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे 20 मिनट के लिए ढक के, फिर इसको मैं आपको दिखाऊंगी कितनी फू चुकी है ये। और अब मैं इसको एयर टाइट कंटेनर में डाल के इसको रख दूंगी, और आप जब इसको बनाना चाहें उसके बस आधा घंटा पहले इसको भिगोएं और इसको यूज़ करें। और आप किस किस चीज़ में इसका यूज़ कर सकते हैं, पूरी डिटेल तो मैं इस वीडियो में नहीं दे सकती हूँ क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसकी पूरी आपको जानकारी उसके अंदर में डाल दूँगी, आप वहाँ देख सकते हैं इसकी पूरी इसको कैसे यूज़ करना है, किस किस चीज़ में यूज़ कर सकते हैं आप। वो एक चम्मच क्वांटिटी जो मैंने गिलास में भिगोई वो तो मैंने 4 से 5 लोगों के लिए बताई, लेकिन अगर आप अपने लिए जिनको जैसे खून की कमी है तो ये इसको खाली पेट सुबह लेने से, पानी के साथ लेने से बहुत ही आपको फ़ायदा मिलेगा
और उसके लिए आप सिर्फ ये 1/4 चम्मच जो है 1/4 ग्लास में आप भिगो के रखें रात को, और सुबह उठ के खाली पेट आप चीनी के साथ मिलाकर इसको, पानी और चीनी के साथ मिलाकर आप उसको ले लें, ये खून बढ़ाने में बहुत फ़ायदा करती है। अब ये 20 मिनट हो चुके हैं भीगे हुए, मैं आपको दिखाती हूँ किस फॉर्म में फूल चुकी है। ये आप देख सकते हैं ये कितनी फूल चुकी है, ये इस तरह से फूलेगी। और अभी इसको हम 10 मिनट और रहने देते हैं, लगभग हमें आधा घंटा प्रॉपर भीगने के लिए चाहिए। तो फ्रेंड्स जब हम गोंद कतीरा का मिल्क शेक बना लेते हैं, इसको बताती हूँ कि इसको कैसे सर्व करना है। इसको हम बहुत तरह से सर्व कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें चाहिए, ये मैंने गोंद कतीरा लिया है जो फुलाया था मैंने, इसको फुला के इसको भिगो के रखा था, और उसके बाद ये मैंने फलूदा जो मैंने बनाया है घर पे वो लिया है, और मैंने ये रूह अफ़ज़ा बनाया है ये लिया है, और ये मैंने दूध लिया है, और थोड़ी सी बर्फ़ चाहिए हमें, थोड़ा सा पानी चाहिए। तो सबसे पहले ये फूलने के बाद ये किस तरह का हो गया है, बिल्कुल पानी जितना मैंने लिया था वो सारा इसने पी लिया है, बिल्कुल एकदम फ्लफी हो गया है पूरा। तो अब हम इसको हम 2 से 3 तरह जैसे आप सर्व करना चाहें, इसको आइसक्रीम में डाल सकते हैं, इसको रूह अफ़ज़ा में डाल सकते हैं, शरबत मिल्क शेक बना सकते हैं, इसका शिकंजी में बना सकते हैं, लेमनेड जिसको बोलते हैं उसमें बना सकते हैं, आप जिस तरीके से आइसक्रीम में डाल सकते हैं, फलूदा रबड़ी के साथ मिक्स करके आप जिस तरह से इसको बनाना चाहें। जो ये मैंने फलूदा बनाया है फ्रेंड्स, इसकी भी मैं रेसिपी शेयर कर दूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दे दूँगी। और वैसे ये इंस्टेंटली भी बना सकते हैं, जो सेवई से हम फलूदा बनाते हैं बॉयल करके उसको ठंडे पानी में डाल के, वो भी आप बना सकते हैं चाहें तो। इसके अंदर एक चीज़ मैं अपनी उस वीडियो में बताना भूल गई, और इसका लिंक मैं उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। सिर्फ इसमें हमने चीनी डाली है इक्वल क्वांटिटी में, और चीनी और पानी, आप इसमें चीनी थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में डाल सकते हैं। जैसे हम इसमें पानी तो उतना ही लेंगे 6 कप, लेकिन चीनी हम उसमें 8 कप लेंगे, यानी हमें 1.25 किलो चीनी चाहिए और 900 ml हमें पानी चाहिए। तो हम उसमें मिक्स करेंगे तो ये थोड़ा सा हमें गाढ़ा रूह अफ़ज़ा मिलेगा, जिससे हमारा हमें चीनी एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप अगर सिंपल बनाते हैं तब भी, और किसी भी चीज़ में आप बनाएं तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा चीनी नहीं डालनी पड़ेगी। इस तरह से हाँ थोड़ा सा मैंने जो बनाया इसमें थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा लगेगी, चीनी तो इसमें भी नहीं डालूंगी मैं, लेकिन थोड़ी क्वांटिटी इसकी ज़्यादा डलेगी। तो अब हम इसको बना लेते हैं, और इससे हम सबसे पहले सिंपल बना सकते हैं। सबसे पहले तो बताऊंगी कि जैसे हम सिंपल रूह-अफ़ज़ा बनाते हैं तो उसके अंदर हम नींबू डाल सकते हैं, तो नींबू डाल के अच्छा लगता है। और दूसरा मैं बताऊंगी ये गोंद गतीरा से, इसके लिए सबसे पहले हम ग्लास में ये 2 चम्मच गोंद गतीरा डाल लूंगी मैं, और जो मैंने 1 चम्मच एक ग्लास में फुलाया था वो 5 लोगों के लिए सफिशियंट हो जाएगा। ये मैंने इसमें 2 चम्मच ये डाल दिया है, और अब मैं इसके अंदर में थोड़ा सा पानी डालेंगे, थोड़ा सा ही हमें डालना है, ये आप देख सकते हैं 1/4 जितना कप जितना मैंने डाला है, और हमें ठंडा ही पानी यूज करना है। और अब हम इसके अंदर में थोड़ा सा दूध, इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे, इसको एक बार स्टर कर लीजिए, और अब इसके अंदर में थोड़ा सा दूध डालें, जितना पानी डाला है उतना ही हम इसमें दूध डालेंगे। अब हम इसमें थोड़ी सी आइस डाल लेते हैं, और अब इसमें थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा डाल लेती हूँ मैं, और इसको अच्छे से मिक्स करें। और ये प्रोसेस जो मैंने गोंद गतीरा और ये पानी सब मिक्स किया है, ये सारा हम मिक्सी में भी मिक्स कर सकते हैं, मिक्स करें और उसके अंदर आप ऐसे ही सर्व करें इसको। और अगर दूध से बनाना चाहें तो सारा दूध से भी बना सकते हैं, तो इस तरह से बनाएं, ये बहुत ही रिफ्रेशिंग ड्रिंक है। और अब हम इसको फलूदा से सर्व करेंगे इस तरह से। अब मैं इसमें ये 2 चम्मच गतीरा डाल लेती हूँ, और इसमें मैं दूध डालूंगी। इसमें आप पानी ना डालें अगर फलूदा बना रहे हैं तो, फलूदा से बना रहे हैं तो। अब ये मैंने इसमें दूध डाल दिया, और इसको अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें मैं फलूदा डालूंगी। अब
अभी मैं इसमें फलूदा डाल रही हूँ और अब इसमें मैं रूह अफ़ज़ा डालूंगी। ये दोनों तो बहुत ही रिफ्रेशिंग ड्रिंक है फ्रेंड्स, और आपको फ़ायदे तो सारे बता ही दिए हैं, और अगर थोड़ा सा और आप एंजॉय करना चाहते हैं तो मैं अब थर्ड बताती हूँ, इसको रबड़ी के साथ आप इसको आइसक्रीम में भी सर्व कर सकते हैं और भी बहुत सी चीज़ों में आप इसे डाल सकते हैं जैन उसमें। तो मैं अब इसको थर्ड बता रही हूँ आपको, रबड़ी फलूदा के साथ गोंद गतीरा की रेसिपी। अब ये देख मेरे पास ये मैंने थोड़ी सी रबड़ी बनाई हुई है, ये भी मैंने घर पर मैंने थोड़ा सा दूध गाढ़ा करा है, मैंने इसके अंदर में मिल्क में डाला है, डाल के बनाइए। आप जैसे भी बनाना चाहें रबड़ी को वैसे बनाएं। ये मैंने थोड़ी रबड़ी ले लेती हूँ 2 चम्मच, ये मैंने फ्रिज में रखी हुई थी इसलिए थोड़ी सी जम गई है। इसमें मैंने थोड़ी सी चीनी, वो मिल्क मेड तो है ही है इसलिए मीठी है थोड़ी सी, और इसके अंदर में मैं 2 चम्मच ये गोंद गतीरा डाल दूंगी। और इसको भी एक बार मिक्स कर लेंगे हम। और अब इसमें मैं फलूदा डालूंगी थोड़ा सा। और इसमें मैं बर्फ डाल दूंगी थोड़ी। और थोड़ा सा इसमें दूध डाल दूंगी। थोड़ा सा दूध मैं डालूंगी, वैसे नहीं भी डाले तो चलेगा। ये मैंने 1-2 चम्मच ही दूध डाला है इसमें, और थोड़ा सा ही मैं इसमें रूह अफ़ज़ा डालूंगी, अच्छी रूह अफ़ज़ा डालूंगी। उसको आप तो ये लीजिए, बनकर तैयार है हमारे तीनों गोंद गतीरा की रेसिपीज। और हम थोड़ा थोड़ा इसको डेकोरेट करने के लिए ऊपर से रूह अफ़ज़ा डालना चाहें तो डाल सकते हैं। आप इसमें रबड़ी वाले में थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डालना चाहें तो डाल सकते हैं। इसको हम शिकंजवी के साथ भी बना सकते हैं। शिकंजवी आप जैसे बनाते हैं उसी 1 गिलास के अंदर 2 चम्मच आप इसे डालें, और ये हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है, बहुत ठंडक देगा हमें ये। लीजिए ये बनकर तैयार है हमारा गोंद गतीरा शेक, मिल्क शेक एंड गोंद गतीरा रबड़ी फलूदा। तो आप इसे बनाएं, ट्राई करें और गर्मियों में एंजॉय करें, और मुझे कमेंट भी करें आप कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी।